जय साथियों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो भाई साहब आप सभी के लिए इंग्लिश का ये नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है सेम टाइमिंग हम लोगों ने लिया जो हम लोगों की पहले क्लासेज होती है इलेवन ए एम पे आप लोगों की क्लासेज होंगी सभी इंग्लिश की तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जो चीजें आपको नीड है जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उन चीजों पे फोकस किया जाएगा सभी स्टूडेंट आ जाइए अच्छे से क्लास लेनी है फालतू तो किसी की बकवास ना हो भाई आपके लिए बैच लाया गया है एग्जाम को देखते हुए बैच को लॉन्च किया गया है मतलब इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट किया वैसे देखा होगा आपने कि मैंने कुछ कुछ दिन के लिए क्लासेज बंद की थी क्यों की गई उसकी कोई वजह थी लेकिन अब आपका एग्जाम क्या है फाइनल है कि जुलाई के एंड में ही होगा जून में नहीं हो सकता है तो अपने पास लगभग लगभग दो महीने अपने पास हैं तो दो महीने में इंग्लिश अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो आपके पांच या छह नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश दस की आ जाए यानी कि की आएगी दस की भी पांच की तो आएगी आएगी ये तो पांच की तो ये मान लो कि फाइनल है पांच की तो आई गई है ठीक है आने वाले टाइम में आपके आने वाले टाइम में हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए ठीक है बिल्कुल आ जाइए सभी बच्चे आप लोग सभी आ जाओ देखिए यहां पे आप लोग देखोगे इस सैटरडे को बेटा छह घंटे की क्लास होने वाली है सुबह दस बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी छह घंटे क्लास चलेगी ये रीजनिंग क्लास होगी आपके अपने धनंजय सर लेंगे बहुत ही अच्छी फैकल्टी है एक जाने माने फैकल्टी है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने खुद के अंदाज में पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा सिखाते हैं अच्छी चीजें आपको बताएंगे सभी बच्चे सैटरडे को सभी आज से मैं कहता हूं आज से इस लिंक पे जाइएगा इस लिंक को अपने यूट्यूब चैनल पे जाके ओपन कीजिएगा जैसे ओपन होगा इसको लाइक कीजिएगा ठीक है और सभी बच्चे मैक्सिमम जितना हो सकता सेशन को इसको शेयर कीजिएगा जो ये अपना रीजनिंग का सेशन है ओके चलिए उसके बाद में आगे लेके चलता हूं आपको ये भाई अपना एकलव्य बैच के बाद आया है पूजा मैम का बैच है एक सेकेंड ये ले भाई साहब ये आपका है आ, बैच है पूजा मैम का दुर्गा बैच आप सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा भाई जिसको जिसका सपना है सी में लगभग लगभग अस्सी प्लस या अस्सी के आसपास पहुंचने का तो ये एक ऐसा बैच है बेटा जो आपके तीस प्लस नंबर आपको फिक्स देगा ज्यादा दिन नहीं हुए बैच को ज्यादा नहीं एक से दो क्लासेज हुई है आ, अभी इसमें डिस्काउंट भी चला हुआ है, है यहाँ पे टू नाइन नाइन आप यहाँ पे फीस आप दे सकते हो कोड इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है कोई भी समस्या तो आप हमें बताइए पूजा मैम की क्लास होती है शाम को पूजा मैम की क्लास में जाके ऑफलाइन कमेंट कीजिए आपका माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है चले अपने बैच को स्टार्ट किया जाए अपने बैच की स्टार्टिंग होगी बेटा कब ये हो गया ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया लेकिन पहला क्वेश्चन जब मुझे यहाँ पे चलिए तो कुछ मुझे, मुझे है। है? भाई विकास लांबा आ गया विकास लांबा बहुत भाई विकास कोई एग्जाम निकाली अब डेली यदि अभी भी आ जाओगे एक साल पहले चैनल को लॉन्च किया तब भी आप थे विकास भाई कोशिश कीजिए एग्जाम निकालने की आप अच्छे स्टूडेंट हो बहुत बढ़िया पढ़ते हो हमें पता है HHS, HHS ने एग्जाम नहीं लिया वो इनकी गलती है बट अभी जैसे ही एग्जाम आएगा मुझे आपका एग्जाम फाइनली क्वालिफाई चाहिए नहीं तो देख ले वैसे नाम लांबा है तो खींच खींच के आपको लांबा बना दिया जाएगा ठीक है हाँ बिल्कुल भाई साहब लाडला मोनू एक ये पूनम मलिक बेटा आप भी पहले दिन से क्लास लेते हो है ना पहले दिन से क्लास लेते हो तो बेटा एग्जाम जैसे ही आएगा एग्जाम निकलना चाहिए सीट यदि क्वालिफाई नहीं हो ना देख लेना छत से फेंक दिया जाएगा आपको मनीष भी पे बहुत पहले से आता है है ना हाँ पी के भाई ज्यादा बातें मत कर एक बच्चे का मैसेज आया है ठीक है गर्ल्स को उल्टा बोलता ना पी के भाई ना ना बेचते मत करो अपने नरवाना की है जब इनको पता चलेगा भाई इंग्लिश वाले भी वहीं से हैं तो क्या बोलेंगे बच्चे ठीक है बेचते नहीं भाई चले तो आर्टिकल का टॉपिक है भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कोई जल्दबाजी नहीं है कुछ भी ये नहीं है कि हम लोग कि बस जल्दबाजी में चलेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है ध्यान से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को समझना एक एक चीज को समझाऊंगा ठीक है चले भाई साहब हाँ ये मानी ये भी बहुत पहले से आती है नालाइको तुम लोग एग्जाम निकालोगे यहीं पे आज जाओगे मैं तो सोचा कि कुछ नए बच्चे मिलेंगे आज जाके तुम लोग तो वही हो हैं विकास भाई निशा कश्यप निशा भी हाँ पहले से है बिल्कुल अनिल भी है हाँ चले चलिए भाई साहब चलो अब तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ मैं क्या बोलूँ आपको यदि एग्जाम हुए होते पांच सात बीच में तो मैं आपको सभी को सुना देता लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ तो मैं क्या सुनाऊंगा आपको ठीक है चलिए भाई साहब बड़े आगे चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आर्टिकल का देखो बेसिक पहले पढ़ा चुका हूं बेसिक साथ में अभी पढ़ाऊंगा लेकिन पहले आज हम लोग थोड़े से ना क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे बताइएगा क्वेश्चन वन आप लोगों के सामने है रितु इज ब्लैंक मोस्ट एक्टिव गर्ल इन ब्लैंक फैमिली तो यहां पे ऑप्शन वन है बेटा कि द आएगा ए आएगा द आएगा या द आएगा ए आएगा या द आएगा या द आएगा या, या ए आएगा ध्यान से सोच समझ के कि एक बच्चा जवाब देगा भाई बिल्कुल आपस में बातें मत कीजिएगा देखो मुझे सबसे ज्यादा खुंदस उन्हीं बच्चों से होती है जो आपस में बातों में लग जाते हैं प्लीज आप लोग आपस में बातें मत कीजिए मन लगा के पढ़िए जहां भी आपको लगे कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए ठीक है लेकिन आपस में बातें नहीं भाई एक सेकंड बस एक दो जगह मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूं मुझे बच्चा देखना चाहिए आज यहां पे हम्म बिल्कुल भाई चलिए आ गया पहले का बी 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 ऑप्शन आ चुका है देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है भाई सबसे पहले आर्टिकल को हम लोग जानते हैं बेटा आर्टिकल को एक सेकंड नेम से भी जाना जाता है आर्टिकल को हम लोग डेटर माइनर भी बोलते हैं डेटर माइनर ठीक है यह हम लोग आर्टिकल जो बेसिकली जो यूज होते हैं जैसे कि आर्टिकल आ का यूज हो गया एन का यूज हुआ

अब पहली लाइन में आपको समझा देता हूं कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी आपको पता भी होना चाहिए देखिए सबसे पहला केस होता है ये मान लो कि है। यदि नाउन नहीं है तो आपका आर्टिकल नहीं आएगा नाउन है तो आर्टिकल होगा बच्चे नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा ये फाइनल है यह बात आप लिख लीजिए समझ आ गया जैसे एक बात समझ लीजिएगा यदि आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हो है ना इनका नाम लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता पहले तो राधा का नाम आता उसके बाद कृष्ण का नाम आता है आता ना क्यों क्योंकि ये दोनों एक ही हैं ये दोनों एक ही है आपने देखा होगा कहीं भी नाटक देखते होगे तो देखा भी होगा जानते भी हो भाई दोनों एक ही है ये है तो ये भी है ये है तो ये भी है ऐसा नहीं कि एक का तो एक का नाम नहीं है मतलब ये दोनों एक साथ में चलेंगे तो ऐसा ही केस यहां पे बेटा आर्टिकल है तो डेफिनेट है कि नाउन होगा ही होगा नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा समझ आ गया नाउन है तो आर्टिकल होगा ये बात समझ लीजिए छोटी बात मत समझिए इसको इसको बड़े अच्छे लेवल पे समझिएगा जब एग्जाम में जाओगे बहुत सी चीजें ऐसी होती है बेटा कि यहां पे नाउन गिवन है यहां पे कोई ना कोई एडजेक्टिव है यहां पे कोई वर्ड गिवन है तो आपने इस आर्टिकल के कॉम्बिनेशन को इस नाउन से मैच करना है हां आर्टिकल ए आएगा एन आएगा वो होगा साउंड पे डिपेंड और साउंड होगी यहां पे जो वर्ड होगा उसकी साउंड को देखना है समझ आ गया मतलब भाई साहब आर्टिकल का जो कनेक्शन होता है बस ये जान लीजिए कि आर्टिकल जो है आपका ये बेसिकली नाउन पे डिपेंड होगा ठीक है नाउन है तो आर्टिकल आएगा नहीं है तो नहीं आएगा एक तो ये चीज आपको समझ नहीं है एक बात मैं आपको समझाऊं सेकंड बात यहां पे भाई मान पर यहां पे आर्टिकल की है यहां पे आर्टिकल की है और इसके बाद यहां पे जाओगे यहां यहां पे पे एक वर्ड वर्ड दे दिया कोई भी मान कुछ भी मान कुछ है है और यहां पे नाउन गिवन है, अब आपका एग्जाम इतना अच्छा एग्जाम है आपका वो पूछ लेता है कि ये वर्ड क्या होगा भाई आर्टिकल और नाउन के बीच में जो वर्ड गिवन है ये क्या होगा एग्जाम पूछ लेता है आपका क्योंकि उसको आदत हो चुकी है आपका एग्जाम ही नहीं आप एसएससी का एग्जाम दोगे वहां भी पूछा था अभी बैंकिंग में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया डिफेंस में जाओ वहां भी जा पूछा जाएगा डिफेंस का सीडीएस है एनडीए है एफ कैट है सीएपीएफ है या आपका एयरफोर्स है नेवी का एग्जाम है आर्मी क्लर्क है आप कोई भी एग्जाम दोगे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम तो आप सभी जान जाओ कि कभी भी यदि आर्टिकल और नाउन आर्टिकल व नाउन इन दोनों के बीच में बच्चे यदि कभी भी यहां पे कोई वर्ड आएगा कोई शब्द आएगा तो वो आपका हमेशा ही क्या होगा एडजेक्टिव होगा ठीक है यदि पूछा जाए भाई क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे एडजेक्टिव है ये फाइनल हुआ आगे लेके ले चलता हूं थर्ड पॉइंट पे थर्ड पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं थर्ड पॉइंट यहां पर लिखते हैं थर्ड पॉइंट यह बेटा यदि मान लेते भाई यहां पर आर्टिकल डेफिनेट आपका है यहां पे ब्लैंक यहां पे ब्लैंक और यहां पे नाउन ये बात आप लोग लिख लीजिए आगे समझ ये आपका नाउन ये आपका आर्टिकल तो भाई साहब नाउन से पहले जो वर्ड होगा ये तो आपका डेफिनेट है कि एडजेक्टिव होगा ही होगा ये तो डेफिनेट है कि आपका एडजेक्टिव होगा लेकिन ये जो वर्ड होगा ये लाड लो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये आपका एडवर्ब भी हो सकता है ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है एडवर्ब भी हो सकता है बट आपने कहा भाई इंग्लिश वाले इतना भी बता दीजिए कि

छोटे छोटे कानों से एक बड़ी बात सुन लीजिए भाई यदि उस वर्ड ने नाउन को क्वालिफाई किया तो वो आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब हो जाएगा इतनी बातें कानों में पड़ी कुछ समझ आया तो बताइए आप लोग समझ आया या नहीं आया उसके बाद आगे चलते हैं हाँ ओके बेटा चलेंगे उसको चलेंगे वॉवल के पहले क्या है कॉन्सोनेंट के पहले क्या है सब बताएंगे है ना लेकिन थोड़ा सा संयम बनाए रखिए कमेंट की ज्यादा नीड निडी नियम है कमेंट ये बता सकते मुझे हो मुझे खुशी होगी क्लास कैसी लगी हुई है? है ना अच्छी लगी हुई है तो अभी तक के तो यहाँ पे इतने इतने प्लस प्लस बच्चे बच्चे आ जाने जाने चाहिए चाहिए थे थे अभी तक के इतने प्लस बच्चे हो जाने चाहिए थे। साथ दो पहला दिन है यदि पहले दिन ही साथ नहीं दोगे तो कब क्या होगा भाई साहब है ना कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे साथ दीजिए सेशन में आग लगा दो आग लगने चाहिए मुझे देखने चाहिए कमेंट में आग लगी हुई यहाँ पे ठीक है ओके okay. आगे समझ बहुत बढ़िया चलिए भाई साहब अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बेसिक चीजें अगेन बहुत बढ़िया बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है भाई आप लोगों से ना ऐसे ऐसे कमेंट देखे हुए मेन चैनल पे पढ़ाता हूँ ना मेन चैनल पे वो फीलिंग ही नहीं आती अपने वाले की यार अपने मतलब है अच्छा बैच है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का काफी अच्छा बैच है आप भी आना उसमें ट्वेल्व पी पे आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या आज पढ़ाएंगे नाउन के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा

अब आगे एक छोटी सी कहानी में आपको बता देता हूं आर्टिकल से जो जुड़ी हुई है आर्टिकल बोले तो ए एन और आर्टिकल को बेटा क्लासिफाई किया गया टू टाइप से एक होता है डेफिनेट एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है भाई इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल ये सेकंड टाइप जो डेफिनेट होता है लाडलो डेफिनेट में होता है आर्टिकल दा, definite में होता है, आर्टिकल द होता है देखो एक वचन देता हूं आप लोगों को साथ दोगे अच्छे कमेंट आएंगे ऑफलाइन कमेंट आएंगे डेली जो पूछूंगा वो बताओगे आर्टिकल कम से कम पांच क्लास लूंगा पांच क्लास समझते हो ना आज तक YouTube पे मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ाया होगा जितना डीप में इस बैच में पढ़ा दूंगा लेकिन उसमें साथ चाहिएगा डेली क्लास में कम से कम मुझे चाहिए कम से कम एक माहौल इतने प्लस बच्चों का डेली कोई ज्यादा नहीं बोला मैंने बहुत ही कम है ठीक है यदि डेली एक जोश में क्लास लोगे तो भाई साहब इतनी चीजें लिखवा दूंगा यदि जो बच्चा मुझसे एप्लीकेशन पे जाके पढ़ा ना पेड बैच में उससे भी ज्यादा यहां पर डाल दूंगा चीजें ठीक है लेकिन आप लोग बताइएगा बिल्कुल हाँ देखो अभी बहुत से बच्चों ने तो सेशन को लाइक ही नहीं किया आपके लिए जितना मुफ्त में पढ़ाया जाए ना आपको ऐसा लगता है कि बोलने दो, बोलने दो दो है ना ना भाई साहब मैं ऐसा नहीं हूं एक बच्चे का मैसेज आता आपका बैच आता है लेकिन बीच में छोड़ देते हो बेटा मैं बीच में नहीं छोड़ता हूँ वो क्या एग्जाम छुड़वा देता है अपने सीएम साहब हैं बहुत अच्छे सीएम है, है? एजुकेशन का तो ऐसा हाल बना दिया है अब क्या ही बोले कभी कभी वो लाइव आते हैं बेचारे कभी कभी तो आते हैं आके बोल देते हैं कि एग्जाम आपका फैब में होगा डेफिनेट फैब में सी हो जाएगा अप्रैल में सभी ज्वाइनिंग दे, दे देंगे फैब भी आना तो है फैब कहते हैं जब ब्याह की डेट दे दी जाए तो तो आएगी आएगी भाई साहब पक्का आएगी है ना तो फैफ भी आया लेकिन एग्जाम हुआ फिर कभी कभी लाइव आके बोलते हैं अप्रैल में एग्जाम पक्का होगा बिल्कुल पक्का होगा ये 2021 से बोलने लगे हुए हैं अब एक बात बताइए जब एग्जाम वालों का ही साथ नहीं है भाई साहब ये डेट देते नहीं है अब इन्होंने बोला कि जून में तो डेफिनेट अप्रैल में अप्रैल में तो डेफिनेट होगा और कसम से मैंने भी सोच लिया था कि अप्रैल में तो पक्का होगा कुछ लिंक का जो एच एस में मैंने हमने उनसे ही बातें की उन्होंने कहा कि बिल्कुल डन है भाई साहब उसके अप्रैल के महीने में एग्जाम हो जाएगा तो भाई जब अप्रैल के महीने में एग्जाम होगा तो हमने क्या किया बैच निकाल लिया भाई इतने दिन हम भी सिलेबस दे देंगे यूट्यूब पे अब एग्जाम जून में चला गया तो जून के अकॉर्डिंग बैच निकलेगा अब जु, आप जु, जुलाई में चला गया अगस्त में चला गया तो अगस्त के अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश का बैच निकाल दिया अब ये यदि है दो हजार तेईस में लेने की तो भाई साहब मुझे तो इंग्लिश पढ़ानी है ना अब आपने पढ़ लिया उसके बाद नए बच्चे आएंगे नए आएंगे आते जाएंगे है ना अब इनका कुछ नहीं पता हाँ ये पहली क्लास है भाई ठीक है देखिए एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग द बोलते हैं और एक होता है इंडेफिनेट इंडेफिनेट में आर्टिकल आ का यूज होगा और इंडेफिनेट में आर्टिकल एन का यूज होगा एक आपका आएगा और एक आपका क्या आएगा आएगा ठीक है एक आपका आर्टिकल, ए आए और एक आर्टिकल आपका एन आएगा ठीक है द को कभी कभी हम लोग द बोलते हैं और कभी कभी द को दी बोला जाता है जब द के बाद साउंड होती है कॉन्सोनेंट जब साउंड कैसी होती है कॉन्सोनेंट होती है बेटा तो आपका आएगा द और जब वोवेल की बातें की जाए वोवेल साउंड आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे दी बोलेंगे दी एलिफेंट होता है ना कि द एलिफेंट होता है दी एलिफेंट होता है द एलिफेंट नहीं होता है समझ आ गया आगे जाओगे द डोग द डोग होता है डॉग नहीं होता है ठीक है इतना फायदा हो गया हाँ चलिए आगे आते हैं आर्टिकल ए और एन पे आप बोलोगे भाई डेफिनेट या इनडेफिनेट में क्या होगा डेफिनेट वो होता है बेटा जिसको आप पहले से जानते हो डेफिनेट वो होता है जिसको हम पहले से जानते हैं मतलब जिससे पहले फर्स्ट टाइम जिनसे मुलाकात हो चुकी है भाई जैसे मान लिया मैं कहीं पे गया मुझे कोई बच्चा वहां पे मिला तो मैं बोलूंगा आई सो बट अगेन यदि वही बच्चे की बातें चले तो मैं बोलूंगा द बॉय समझ आ गया यानी कि जो फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है देन वी यूज ऑनली आर्टिकल एर एन बट यदि नेक्स्ट टाइम अगेन मीटिंग हो दे वी यूज आर्टिकल दब एक ही सेंटेंस में दो सेम नाउन आ जाए भाई एक सेंटेंस आपका गिवन हो उसमें दो सेम नाउन गिवन है सेम नाउन मतलब यहां भी बॉय है यहां भी बॉय है तो जो पहला नाउन होगा उसके आगे आर्टिकल दा को लगाइए जो सेकेंड नाउन होगा बेटा उसके आगे आर्टिकल नहीं जो पहला नाउन होगा उसके आगे आर्टिकल ए और एन को लगाइए ठीक और जो सेकंड होगा उसके आगे दा को लगाइएगा फाइनल यहां तक समझ आ गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं ए एल एम के ज्वाइनिंग कब करेंगे बेटा अभी कोई भी इनका वो नहीं आया है ये अटके पड़े हैं पता है क्या किस चीज में अटके हुए हैं एक तो इस साइड में जाओगे हरियाणा क्लर्क सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के टाइम पे बना हुआ है ठीक है डेवी चला हुआ है उसके बाद ये जो बच्चे का मैसेज आया ए एल एम यहाँ पे अटके पड़े हैं बहुत सी पोस्ट है आपके एल बहुत सी पोस्ट है भाई साहब जिनका फाइनली नहीं हुआ अभी तक बहुत सी वैकेंसी है जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 में हुआ था शायद 21 में 21 में हुआ था इकतीस जैन को वो एग्जाम भी उनके साथ साथ में हुए थे लेकिन वो आज तक अटके पड़े हैं इसके साथ साथ में आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम्पल देख सकते हो हरियाणा पुलिस ये पता है, इन इनमें इन इतने फंस गए हैं इतने फंस गए हैं कि इनसे नया एग्जाम लेने की हिम्मत ही नहीं हो रखी सच्चाई तो यह है जहां तक तो मुझे आइडिया है। ठीक है हाँ। समझ आ गया ओके चले एक अंजलि यादव कहती है नाइस सेशन बाय बाय अरे नालायक जब नाइस सेशन है तो बाय बाय किस चीज की है ऐसे आते हैं बस देखने के लिए जैसे इंग्लिश वाले को देखने के लिए आते हैं सकल देखी भाग गए सकल देखी भाग गए पढ़ लीजिए भाई साहब पढ़ लीजिए हाँ, चले तो ये बातें हो गई आगे बढ़े आगे देखो इतना चीज आपको समझ आ गई अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बेस में जाएंगे आर्टिकल कब आएगा ए एन कब आएगा चलो ए एन का थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं सबसे पहले जब आर्टिकल ए और एन को लगाओगे ना तो एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चे एक तो ये इंडेफिनेट केस को दिखाएगा किस केस को इंडेफिनेट केस को दिखाएगा लिख लेना इंडेफिनेट केस पहला केस सेकंड क्या होगा बच्चे सेकेंड होगा ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा लिख लेना काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग की जा सकती है जिसको काउंट किया जाए उसके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज होगा आर्टिकल ए और एन का जो मतलब होता है बच्चे वो होता है वन यानी कि एक तो इसका मतलब समझ गए कि आर्टिकल ए एन तभी आएगा आर्टिकल ए और एन तभी आएगा जब इनके बाद नाउन कैसा होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा जब इनके बाद नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तभी आप लोग आर्टिकल ए और एन लगा पाओगे okay. समझ आ गया यानी कि यदि नाउन प्लुरल फॉर्म में है नाउन बहुवचन में है तो भाई साहब ए एन नहीं आएगा ये बातें आपको समझनी है फाइनल यहां तक मैं मान के चलू आपको समझ आ गया होगा अब बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा देखो आपस में बात मत कीजिए आपस में बात मत कीजिए बिल्कुल ही बात मत कीजिए भाई साहब यदि आप बातते होंगे ना आपके तो मेरा दिमाग भटकेगा तो भाई मैं बातों में चला जाऊंगा तो समझा नहीं पाऊंगा ठीक है देखिए आगे चलते हैं हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज कब होता है इसके लिए आपको अल्फाबेट को जानना पड़ेगा अल्फाबेट अल्फाबेट्स नहीं होता अल्फाबेट ही होता है ठीक है अगले चीज अल्फाबेट कितने होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं इसमें से पांच निकाल दो ट्वेंटी वन बचेंगे इस पांच को बोला जाता है वोवेल और पांच कोस को बोला जाता है कॉन्सोनेट कॉन्सोनेंट पांच कौन कौन से हैं ना ए आई ओ यू ठीक है जो बाकी बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे ठीक है अब जो आर्टिकल ए और एन होता है बेटा ये किस पे डिपेंड होते हैं ये डिपेंड होते हैं साउंड पे ये दोनों ही डिपेंड होते हैं साउंड पे ये भी किस पे डिपेंड होगा साउंड पे डिपेंड होगा यदि साउंड आपको मिलती है वोवेल यदि साउंड कैसा मिलता है वोवेल साउंड मिलता है देन वी यहां पर आर्टिकल ए को लगा देते हैं ठीक है यदि साउंड वोवेल मिलता है तो यूज होगा एन का और साउंड यदि मिलता है कॉन्सोनेंट साउंड यदि मिलता है कॉन्सोनेंट मिलता है तो भाई साहब यहां पे जो यूज होगा वो किसका होगा ए का यूज होगा मैं कहता हूं आप हिंदी में याद कीजिए बिल्कुल देशी भाषा में देशी भाषा में पढ़िए यदि साउंड आती है अ से अ तक इनके बीच में साउंड आपको मिलती है देन वी यूज ओनली एन तब हम लोग केवल एन को लगाएंगे यदि साउंड आती है क से तक तो यूज होगा बेटा आर्टिकल ए का यूज होगा इन चीजों को आप लोग सभी बच्चे लिखेगा ठीक है ये बेसिक बेसिक मैंने बता दिया अब मैं लेके चलूंगा क्वेश्चन पे और क्वेश्चन से हम लोग बेस पे आएंगे ठीक है एक बार सभी बच्चे इस लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए भाई है ना सभी बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए मुझे यहाँ पे एकदम इसका डबल बच्चा दिखना चाहिए बिल्कुल ओके अच्छा थोड़ा सा जल्दी करवाओ ठीक है भाई चलिए भाई साहब एक लड़के कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ तो जल्दी पढ़ा देते हैं लेकिन बेटे नुकसान आपका ना हो देख लेना इसमें ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर वन रितु इज द इज ब्लैंक मोस्ट एक्टिव गर्ल इन ब्लैंक फैमिली देखिएगा दो चीजें यहां पे समझिएगा सबसे पहली बात यहां पे मोस्ट वर्ड का यूज किया गया मोस्ट क्या दिखाता है बेटा आप लोग सभी जानते हो इंग्लिश में एक टॉपिक होता है डिग्री का टॉपिक और इसको क्लासिफाई किया गया बेटा एक होती है पॉजिटिव पॉजिटिव और एक होती है कंपेरेटिव कंपैरेटिव और एक होती है बच्चे क्या सुपरलेटिव सुपरलेटिव ये होती हैं ठीक है अब आप लोग जानते हो यदि पॉजिटिव का यूज किया जाए तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन लगाएंगे यहां पे हम लोग बोलते हैं नो आर्टिकल नो आर्टिकल और यहां पे बच्चे यूज होता है आर्टिकल द का इसकी पहचान होती है पीछे एसटी ईएसटी या ओएसटी आपको मिलता है एस टी आपको मिलता है तो यहां पे देखोगे यहां पे गिवन है तो इसने काम किया सुपर लेटिव डिग्री का सुपर का काम किया यदि लेटिव का काम किया भाई साहब तो यहां पे आर्टिकल ए तो पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है भी नहीं है यानी कि यदि देखा जाए मेथड ऑफ इलिमिनेशन से हम लोगों ने दो ऑप्शंस को नेग्लेक्ट किया ऑप्शन सी को ऑप्शन डी को दोनों को नेग्लेक्ट किया आगे जाओगे यहां पे दा और दा और दू ब ये हो सकता है अब एक बात हो रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन अ फैमिली नहीं इन द फैमिली होगा क्योंकि वो भी तो डेफिनेट हो गया ना जब किसी लड़की को डिफाइन किया गया है किसी लड़की की बातें चलिए तो यदि लड़की आपकी डेफिनेट है तो फैमिली भी डेफिनेट होगा तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे ऑप्शन बी तो किस किस बच्चे का ऑप्शन बी आया हुआ है बताइए ऑप्शन बी आया किसी बच्चे का बहुत बढ़िया भाई साहब ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बिल्कुल मजा आ गया ना बस ऐसे ही समझना आप लोगों को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पे चलते हैं देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का जवाब हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के पास है ध्यान से देखिएगा बताइएगा क्वेश्चन नंबर हम्म ये तो आसान है ये तो बिल्कुल आसान है देखिए यहां पे क्या है बेटा आगे सन जीवन है जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है हेवनली बॉडीज मतलब जो आप लोग लाइक सन मून अर्थ ठीक है स्काई ये सब क्या है इन्हें हेवनली बॉडीज मानते हैं हम लोग और एन के आगे हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है ना तो यहाँ पे क्या की बन है सन की बन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा दा आएगा जैसे ही एक ऑप्शन आपका क्लिक हो जाए भाई मान लिया एक ऑप्शन आपका आ गया तो सीधे क्या है आप ऑप्शन पे जाओ ऑप्शन पे जाओगे जाओ मुझे चाहिए पहले दा तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हुआ इसका मतलब यहाँ पे जाओगे ये भी गलत हो गया ऑप्शन ए एंड डी आपके गलत हो गए बच गया ऑप्शन आपका बी एंड सी तो बी में दागीवन है, दा है दोनों हो सकते हैं बट आगे जाओगे आगे ईस्ट यहां पे लिखा हुआ है और ईस्ट ने काम किसका किया बेटा ईस्ट ने जो काम किया वो काम किया नेम ऑफ डायरेक्शन नेम ऑफ डायरेक्शन दिशाओं के नाम से पहले आप लोगों ने सुना होगा भाई जितनी भी दिशाएं होती हैं ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो या साउथ हो इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं इनके आगे आर्टिकल दा का यूज होता है ये तो आप लोग सभी जानते हो तो यहां भी मुझे क्या चाहिए दा चाहिए तो यहां भी दा, वहां भी दा, तो तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया गया बी बी आपका आ तो मैक्सिमम बच्चों का यहां पे आया हुआ बहुत है बहुत बढ़िया भाई साहब बी मैक्सिमम स्टूडेंट का आया हुआ है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी एन पॉलिसी दा पॉलिसी पॉलिसी या कोई पॉलिसी नहीं बताइए हाँ बिल्कुल भाई साहब आपस में बातें मत कीजिए कोशिश कीजिए पढ़ने की कोशिश कीजिए पढ़ने की है ना सबसे बेस्ट चैनल पे आप लोग खड़े हो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब एक एक क्लास आपको मिलने मिली हुई है वेमो नोकवाल वीमो नोकवाल शायद मुझे मिले थे हिसार में वीमो है ना आई थिंक मुझे पक्का नहीं याद है शायद में भी जब हम लोग ऑफलाइन मॉक लेने गए थे हाँ, दाग है ना देखिएगा यहां पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं भाई साहब यहां पे क्या है यहां पे बेस्ट यहां ने काम किसका किया किया का काम किया? है ना और इससे पहले तो तो आर्टिकल दा ही आएगा ये तो बात खत्म हो गई बाय द वे मान लेते हैं कल ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहां पे लिख दिया जाए ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब बताओ अब अग्नि परीक्षा आप लोगों की है यहां पे क्या आएगा Honesty is the best policy. यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन सेम है, है, ए, ए, न, है. कौन सा ऑप्शन मैं दिल्ली आऊंगा जी तीन कहा है ऑफिस आ जाओ बेटा आप जब आओ तो मुझे कॉल कर लेना ठीक है अच्छा लाडला मोनू हाँ आप मिलने थे भाई मोनू आपसे तो लंबी बातें हुई थी चलिए अजय, अजय आप अच्छा मैं भी थी साथ में बेटा मुझे नहीं याद है मुझे उस दिन याद नहीं था बताओ दिमाग ऐसा चला हुआ था बस वहां पे फिजिकली वहां खड़ा लेकिन दिमाग ऑफिस में ही था उस दिन भी ठीक है आ तो गया था मैं लेकिन ऑफिस में ध्यान था इसलिए आज ज्यादा वहां पर बोल भी नहीं पाया था बिल्कुल इसमें कुछ नहीं आएगा बहुत बढ़िया भाई साहब मनीषा गौतम बस यही चीज हमें चाहिए मनीषा गौतम इस एन एन भी आ चुका। बस इस से बचना है अरे ना लाए को। एक बात बताइए मैंने आपको बताया होगा ना कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सफिक्स या प्रिफिक्स किए जाते हैं ऑनेस्ट क्या है एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट क्या है है यदि एडजेक्टिव के साथ में हमने सफिक्स किया वाई को तो क्या बन गया ऑनेस्टी बन गया और ऑनेस्टी क्या हो गया बेटा एक नाउन हो गया कौन सा नाउन एब नाउन बन गया है ना ये क्या होता है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को आर्टिकल की नीड नहीं होती है अनकाउंटेबल नाउन को आर्टिकल की नीड नहीं होती है ठीक है मैक्सिमम दा भी नहीं आता है तो यहां पे क्या है कुछ भी नहीं आएगा अब इसी में बदलाव यदि होगा देखो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं फिर कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आती है. अरे पढ़ाओ तुम लोग बच्चों को अब आ जाते हो तीन दिन बाद लाइव लाइव आके बोलते कि सीई में क्या पढ़ें सिर्टी में कौन सा सिलेबस पढ़े और वहां पे साफ साफ बोलते हो कि इंग्लिश को छोड़ के इसको टाइम दीजिए अरे घोंचो जब आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ाते कम से कम मिस गाइड तो मत कीजिए बच्चों को तो बेटा बात तो में मत आना किसी के में हम पढ़ाएंगे भाई मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे भी यदि इससे ज्यादा डीप कोई पढ़ा दे तो मैं बता मुझसे मिल लेना ठीक है आपके लिए जान तक भी देंगे हम लोग लेकिन साथ दीजिए आप लोग ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन हमने निकाला ये वाला इज द बेस्ट पॉलिसी जो बचपन से सुनते आए हुए ये तो सबका सही हुआ अगला क्वेश्चन निकाल लिया हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भाई ऑनेस्टी के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा ना ऑनेस्टी के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा नहीं आएगा अनकाउंटेबल ना होने हमें कोई भी नीड नहीं है बट एक चीज मैं आपको बताऊं एक चीज मैं आपको बताऊं यदि कभी भी ऑनेस्टी को जब स्पेसिफिक किया जाए मैं आपको बोलता हूं यहां पे मैंने इसका ये तो क्वेश्चन नंबर वन हुआ ये क्वेश्चन के टाइप नंबर सेकंड हो गई अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम यदि पूछेगा तो कैसे पूछेगा यहां पे देगा बेटा यहां पे लिखेगा ऑनेस्टी ऑफ ऑनेस्टी ऑफ मोहन ऑनेस्टी ऑफ मोहन इज वेरी नाइस मान लेते कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया अब पूछेगा बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा बताइए हाँ जल्दी से बताइए यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा ए आएगा एन आएगा या दा आएगा सभी बच्चों का जवाब मुझे मिलना चाहिए सर आपने नाउन बीच में रोक दिया सर कहां रोक दिया नाउन बीच में अच्छा मतलब पता नहीं बेटा मैंने कौन सी क्लास में हाँ कोई नहीं अभी बेस्ट स्टार्टिंग से इस इसको अच्छे से लेना ठीक है ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी कीर्ति सांगवान नालायक ओनेस्ट होता है वो ओनेस्टी नहीं होता है यहाँ पे ओनेस्टी है ओनेस्ट क्या है होते हैं ओसिस होते हैं ओ ओ ओनिस्ट होता है बेटा ठीक है ओ की साउंड होगी तो एन आएगा ठीक है लेकिन ये ओनेस्टी है अनकाउंटेबल नाउन है ए एन तो कैसे आ जाएगा है हाँ नो आर्टिकल द द द द द द द द द स्पेसिफिक है मोहन अब एक बात देखो या ये पूनम लिख बेटा ऑफलाइन होते ना आपका गला दबा दिया जाता आज सबसे पहले स्टूडेंट हो आप कितने दिन से मैं देखने लगा हुआ था मैं कोई भी सेशन लेके आ जाता कोई भी इवेंट लेके आ गया एग्जाम कब होगा क्या चला हुआ है अब क्या होगा चैनल पे क्या होगा इसका कमेंट पक्का इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं लेते अब इंग्लिश की क्लास लेते, क्यों लेते इसलिए लेता क्योंकि कितना ही पढ़ा ले तूने पढ़ना तो है नहीं है ना लायक अब एक बात बता अभी तो समझाया पगली तुझे कि ओनेस्टी क्या बन गया एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया यहां पे साफ साफ नहीं लिखा हुआ देखना ओनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है अरे पगली अनकाउंटेबल un, नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए एन क्यों आएगा अभी बताया बताओ कितना बड़ा बड़ा लिखा इससे पहले भी लिखा और फिर उसके बाद फिर एन लगा दिया है ये देख लो ये क्या नाम है शुभम शुभम भाई क्या खा के आए हो ये मधु गहलोत मधु बेटा आप एप्लीकेशन पे भी थे शायद किसान बैच में क्या खा के आयो है बताइए तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई जैसे आप लोग पढ़ने लगे ना ऐसे काम नहीं चलेगा एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा बाकी चैनल है वैसे तो एक दिन लगा दें क्लास एक महीने में इंग्लिश की बीस बच्चे लाइव आएंगे बड़ी बड़ी बातें फेंक के चले जाएंगे तो वहां पढ़ लीजिए आप लोग है ना कोशिश कीजिए यार ऐसे ऐसे मत कीजिए आप लोगों को जो जो बच्चे यहाँ पहले दिन से जुड़े हैं तो वो तो अच्छे से जवाब दीजिए है ना ऑनेस्टी बेटा अनकाउंटेबल नाउन एक बच्चे ने पूछा सांगवान जी ने कि ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी मैंने कहा ऑनेस्ट होता है बेटा ओ की साउंड आती है तो उनको लगा कि एन आएगा एन आ जाता ऑनेस्ट होता तो ऑनेस्ट के बाद नाउन होता तो एन लगा लेते बट ये तो ऑनेस्टी गिवन है ना ऑनेस्टी क्या हो गया एक नाउन हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा दा आएगा कभी कभी वो भी जब स्पेसिफिक सेंस होगी अब यहां पे नॉर्मली ओनेस्टी को डिफाइन नहीं किया गया ये मोहन की ओनेस्टी को डिफाइन किया गया भाई जो मोहन है उसकी ओनेस्टी यानी कि एक स्पेसिफिक केस है और जब स्पेसिफिक केस होगा तो यहां पे क्या लगाओगे दा को लगाओगे बताइए हाँ बिल्कुल बताओ अब ये मनीषा गौतम ये मोनू ये लग गए हैं कहने की हमें तो इंग्लिश आती नहीं है किसको आती है इंग्लिश कोई है हरियाणा में बोलने वाला कि हमें इंग्लिश आती है है कोई कोई नहीं है ना मैं भी वहीं से हूं भाई आप लोगों के गांव देहात से हूं मैं भी अब गांव का नाम तो क्या बताऊं यहां पे तुम लोगों को बिल्कुल गांव से हूं एक देसी गांव से अब ये तो है नहीं भाई मुझे भी जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन आते बोलने का मम्मी वोविल कहाँ पे है मम्मी कंजंक्शन कहाँ है ऐसा तो नहीं हुआ था ना और सबसे बड़ी बात बताऊ मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अनपढ़ हैं जो एक दिन भी स्कूल में नहीं गए हैं लेकिन तीन भाई है, तीनों भाई इतने अच्छे से पढ़ाए लिखाए हैं ठीक है तो मेहनत कीजिए भाई साहब मेहनत कीजिए आप लोग मेहनत के साथ सब कुछ पॉसिबल है अब मुझे पढ़ाते हुए लगभग ग्यारह साल हो गए हैं अब ग्यारह साल हो गए भाई साहब ग्यारह साल ये तो है नहीं कि मैं आया पढ़ाने लग गया मेहनत तो मैंने भी की होगी ना जितनी यहाँ पे बुक है दिल्ली में अवेलेबल शायद ही कोई बुक ऐसी होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी शायद ही कोई ऐसी होगी आज भी बुक्स पढ़ता हूं अब एक आधे घंटे बाद मेन चैनल पे एक सेशन लेने वाला नाउन का उसके लिए भी अलग से पढ़ना पड़ा मुझे बताइए तो 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 आप तो, आपका तो हक बनता है आपको तो आपको एग्जाम तो निकालना पढ़ना ही पड़ेगा भाई है ना हम्म चले ये हो गया दो तीन क्वेश्चन खत्म हुए तीन क्वेश्चन में आप लोग देख लो हिचकिचा गए हो गए तीन क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने आप लोगों से हम्म चले बहुत बढ़िया आगे चले एक दो को तो लगता है कि हाँ मैंने पहले इंग्लिश ही बोलोगी ओ भाई लो भाई थोड़ा सा जूम किया जाए अच्छा एक ना आपके इतिहास की क्लास लगेगी सेवन पीएम इतिहास के जीके की क्लास ठीक है वो ले लेना भाई साहब जो टीचर आपको दिए गए ना बहुत ही वेल well टैलेंटेड है जिन्होंने पीसीएस यूपी पीसीएस सभी एग्जाम्स निकाले हुए हैं बिल्कुल डीप नॉलेज है डिटेल में आज आप लोग पढ़ना चाहते हो सभी बच्चे उनकी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा ठीक है बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या आएगा जल्दी से ध्यान से एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए जी इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए बेटा इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले लो सभी बुक अच्छी है कोई भी बुक ले लो बस पढ़नी आपको है टॉपिक वाइज पढ़ाओ सब्लजिए टॉपिक वाइज ही ठीक है हाँ। ही बिल्कुल। बिल्कुल। आ, गलत नहीं चाहिए आप लोगों का जो बच्चे पहले से पढ़ने लगे यार किसान बैच तुम लोग ले चुके हो अल्फा बैच तुम लोग ले चुके हो एकलव्य बैच में तुम एप्लीकेशन पे तुम पढ़ चुके यूट्यूब पे तुम पढ़ चुके उसके बाद भी गलत होते हैं इसका मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं है चले ओके नवनीत नमस्ते भाई चले यहां पे एवरी देखो यहां पे जाओगे पहली चीज बेटा यहाँ पे एवरी वर्ड का यूज किया गया एवरी को देखते ऐसा लगता है कि सभी की की सभी की कभी कभी एच आएगा यहाँ पे एवरी एंड एच दोनों वर्ड को ध्यान में रखना इन दोनों के बाद लाड लो आने वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा पहली चीज तो ये लिख लो एग्जाम में आ सकती है वॉब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा ठीक है ये हो गई अगली बात यहां पे देखो हैज ब्लैंक पार्लियामेंट अब यदि पार्लियामेंट को नॉर्मली यूज किया जाए एक जनरल सेंस में तब हमें कोई नीड नहीं होती है आर्टिकल लगाने की बट जब स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए बोला जाए किसी देश की पार्लियामेंट को डिफाइन किया जाए देन हम लोग आर्टिकल ए और दा को लगा सकते हैं ठीक है तो यही में पूछा गया जो सभी देश है प्रत्येक देश है उनकी अपनी खुद की क्या होती है एक पार्लियामेंट होती है हम बोलेंगे ना एक पार्लियामेंट होती है ठीक है पार्लियामेंट ने यहां पर देखा जाए कॉमन नाउन का, का काम किया और यदि कभी भी इस चीज को लिख लेना यदि कभी भी कॉमन नाउन कॉमन नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में है यदि कॉमन नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में है तो बेटा इसको फाइनली एक डेटर माइनर के नीड होगी फाइनली किसकी नीड होगी ऑफ माइनर की नीड होगी हो वो आर्टिकल भी हो सकता है वो आपका ईच एवरी ये वो कोई भी वर्ड हो सकता है ठीक है तो यहां पे जाओगे यहां पे मुझे क्या चाहिएगा? आर्टिकल ए चाहिएगा तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फोर का ऑप्शन सी आ गया आगे समझ में फाइनल ओके आगे बढ़ो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई साहब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने की ले भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया ए वन क्वेश्चन हिंदी में लिखते हैं मस्त क्वेश्चन मस्त को कैसे लिख मुझे नहीं पता चलेगा चलो लिख देता हूं मस्त क्वेश्चन चलिए भाई साहब चलो कम कम से आज आप लोगों ने कुछ तो बच्चे आ गए इंग्लिश में मुझे लगा था भूल गए होंगे आप लोग लेकिन जिंदा तो हो आप लोग है ना बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल ये जो आपस में बातें करने लगे हो ना आपस में बातें मत कीजिए बिल्कुल भाई साहब आ गया ना आ गया सभी का ऑप्शन यहां पे आ चुका है देखिएगा एक बात बताऊं यहां पे इस क्वेश्चन को देखोगे ना यदि नेम ऑफ प्लेस को डिफाइन किया जाए जैसे मान लिया इंडिया की वन इंडिया के आगे आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती है पाकिस्तान की वना आर्टिकल नहीं आएगा देश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है भाई साहब लेकिन यदि उसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिया जाए लेकिन उसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिया जाए तो आपको आर्टिकल की नीड होती है बहुत बढ़िया सभी के ऑप्शन सही आ चुके और आगे लिखा क्या? इंडिया यस्टरडे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है यहां पे एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही पूछा गया है और जब स्पेसिफिक फॉर्म में पूछा जाए तो यहां पे आर्टिकल दास लगा दीजिए द इंडिया ऑफ टूडे द इंडिया ऑफ यस्टरडे कहना बिल्कुल सही हो जाएगा आ गया समझ बिल्कुल भाई फाइव का ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं ये जिसका गलत हुआ ना उल्टा लटका दिया जाएगा आप लोगों को देख लेना ये जिसका गलत हुआ बताइए ये क्वेश्चन जिसका भी गलत हुआ भाई साहब आपको कसम से बाई गोड लटका दिया जाएगा हम्म बहुत बढ़िया बस आपस में बातें मत कीजिए ये कुछ बच्चे हैं आपस में बातें करने लगे हैं कोई बेनिफिट नहीं है भाई आपका ओके अच्छा ऐसे कितने जिन्होंने सेशन को लाई ही नहीं किया है आते ही पढ़ने लग गए पेन कॉपी उठा के आपका भी काम होता है कुछ न कुछ आपका साथ देने का बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा ठीक <rireslifting> है ओके बिल्कुल भाई बहुत से बच्चे तो ये समझने लगे एप्पल की बातें की एप्पल के आगे तो एन आएगा एन एप्पल बचपन से सुनते आए हैं एन एप्पल ऑ मैंगो है ना एन ऑल एन एलिफेंट एन ऑनियन वो जमाना गया गया अब बड़े हो गए आप लोग देखिए बहुत बढ़िया जिसने ऑप्शन पहला दिया भाई साहब लांडा लगा लो यहां से भाग जाओ जिसका पहला ऑप्शन है छोड़ दीजिए क्लास कॉपी ठीक है और जिसका ऑप्शन ये है वो तो भाई साहब महापागल महापागल बुद्धू है ये भी ऑप्शन छोड़ दीजिए ठीक है और जिसने भी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से चुना है अब एक बात आई जब मैंने एन यहां पर कैंसिल किया तो एन यहां पर भी कैंसिल होगा यहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक एप्पल कार्ड ये मतलब कोई भी नेम है ये क्या है एक हिस्टोरिकल नोवेल है समझ गए यानी कि एक नोवेल को डिफाइन किया गया नोवेल के नाम के आगे आर्टिकल दा की यूज होती है ठीक है तो यहां पे जाओगे दा केवल एक ही ऑप्शन है तो छठे का ऑप्शन सी छठे का ऑप्शन सी बहुत बढ़िया बींग अनुज बहुत बढ़िया भाई साहब बस यही बात आपको फाइनल एग्जाम में सीखनी है यही चीजें आप लोगों को अपने फाइनल एग्जाम में इन चीजों को सीखना है यदि ये चीजें आप लोग सीख गए ना भाई साहब मैं कहता हूं आपसे अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता यदि ये चीजें सीख गए इंग्लिश में आप ये मत समझिए कि पांच ही क्वेश्चन आएंगे आप ये समझिए वो पांच ही आपके सिलेक्शन वाले हैं पांच इंग्लिश पांच हिंदी ये दस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दाएं से बाएं बदलेंगे और जो भी एग्जाम आज तक का आप लोगों ने दिया उठा के देख लेना यदि दस क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश के हैं क्या आपके दस के दस सही हुए हैं आपके ज्यादा से ज्यादा पांच से छह सही होते हैं और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप बोलते हैं दो नंबर की कमी बच गई तीन की बच गई लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि ये दो या तीन आपके ये इंग्लिश हिंदी की वजह से गए हैं तो बेटा इन चीजों में से निकलना है कोशिश कीजिएगा मेहनत कीजिएगा आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन सेवन आ चुका है सेवन क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दिखाई दे गया है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का बताइएगा ब्लैंक बॉय मेट ब्लैंक मैन विद ब्लैंक एलिफेंट बताइएगा ध्यान से कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से तो नहीं आता मुझे आर्टिकल आएगा बेटा आएगा क्यों नहीं आता बताओ क्या चीज नहीं समझ आई आप कोशिश कीजिए समझिए मुझे बताइए मुझे मैसेज कीजिए क्या समझ में नहीं आया हाँ ओके ओके बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बिल्कुल हो गया कोई बात नहीं बेटा जो बच्चे आपस में बातें करने लगे आप उनको मत देखिए आप अपने कमेंट को मत देखिए आप केवल फोकस कीजिए चीजों पर देखिए यहां पर कोई बच्चा है मैट ब्लैंक मैन ब्लैंक एलिफेंट अब एक बात बताओ यदि मैं बच्चे को इनडेफिनेट ले लू भाई यहाँ पे ये यह बच्चा स्पेसिफिक है भाई वह जो बच्चा वह जो लड़का है वो एक मैन से मिला और उसके एलिफेंट के साथ था जो मैन है ना यानी कि यहाँ पे तीनों में देखा जाए स्पेसिफिक कौन हुआ लड़का हुआ वो जो लड़का है ना वो एक आदमी से मिला जो एलिफेंट के साथ था सिंपल सी बात है यानी कि कहीं ना कहीं मैं इस लड़के को जानता हूं कहीं ना कहीं इस लड़के को मैं जानता हूं यदि मैं इसको जानता हूं बेटा तो मुझे इसके आगे क्या चाहिएगा आर्टिकल दा चाहिएगा यानी कि यहां पे मुझे चाहिएगा आर्टिकल दाह तो सेफवन में देखोगे दा बॉय आ गया तो दा यहां नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है तो ऑप्शन आपका सी हो गया अब मैन कौन मैन नहीं जानते हमें नो आइडिया मैन कौन है तो यहाँ पे मैन हो गया किसके साथ है एलिफेंट के साथ तो तो पे क्या आ जाएगा जाएगा तो जाएगा एन एलिफेंट हो हो आपका ऑप्शन सी ठीक है Final है फाइनल कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि हमें समझ में नहीं आया ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक चीज समझाऊंगा चाहे पांच दिन लग जाए आर्टिकल पे लगभग कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझा के जाऊंगा एक क्वेश्चन ठीक है अभी दस मिनट बाद मेरी क्लास है मेन चैनल पे दस मिनट बाद बेटा मेरी जो क्लास होगी वो मेन चैनल पे होगी ठीक है मेन चैनल पे नाउन के टॉपिक है नाउन का क्वेश्चन है तीस क्वेश्चन के आसपास समझाऊंगा कुछ वो कैप भी समझाऊंगा दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कीजिए अच्छा एग्जाम है अच्छी पोस्ट है और दिल्ली में आने का सबसे बड़ा मौका भी है ये नहीं कहता भाई दिल्ली में आओगे तो कुछ अलग हो जाएगा दिल्ली में आने का मौका इसलिए बेटा यदि आगे पढ़ने का मन हो गया भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपका आगे पढ़ने का मन हो गया तो आप दिल्ली में रह के यूपीएससी आईईएस की पीसीएस की एचसीएस की आगे कोचिंग ले सकते हो ठीक है तो अच्छा मौका होगा आप लोगों के पास कोशिश कीजिएगा समझिएगा एक क्वेश्चन जाते जाते दे के जाता हूं जब मेन चैनल पे क्लास लेता हूं बेटा तो सभी बच्चे जवाब देते हैं देखना कम से कम 200-300 कमेंट होते हैं तो आपसे भी उम्मीद यही है जो भी बच्चा कमेंट का जवाब जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसका कल नाम सबके सामने यहाँ पे लिया जाएगा आज का सेशन कैसा लगा किसी का कोई इशू है तो आप लोग मुझे बताइएगा मुझे लगता है आज की क्लास को यही रोकना चाहिए क्योंकि मुझे भी दस मिनट चाहिए बेटा थोड़ा सा गैप मुझे भी चाहिए ताकि अगली क्लास के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत चाय पानी कुछ तो पी लू ठीक है तो मिलेंगे आप लोगों से आ, कोई क्लास नहीं लग पाती तो उसके लिए माफी चाहूंगा कोशिश है सभी क्लासेज हम लोग देंगे

या, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए आगे बढ़िए सोच को लेके ठीक है भाई साहब लेकिन एक एक बच्चे का मैं ऑफलाइन कमेंट चाहता हूँ देखता हूँ कितने बच्चे अनिल के साथ में मैंने कुछ आपके लिए ये बैच लॉन्च किया है देखता हूँ कितने बच्चे साथ देंगे कितने बच्चों का साथ मुझे आज मिलने वाला है ठीक है देखेंगे चलिए आज के लिए भाई साहब इतना ही अब मुलाकात होगी मेन चैनल पे यदि आपको लगता है कि हमें वहां पे आना है तो आप लोग आ सकते हो ठीक है अः इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज हम्म बिल्कुल भाई साहब चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में कल के लिए अच्छे से पढ़ के आना कमेंट का जवाब क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट में थैंक यू सो मच बाय बाय जय हिंद